अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हलीम का रेसिपी है। ये तुवर की दाल, एक कप मूंग दाल, एक कप चना दाल, एक कप मसूर की दाल, एक कप उड़द दाल और एक कप बार्ली। मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर डाला है, अब इसको अच्छी तरह सोक करना है ओवरनाइट। ये ब्रोकन मीट है, इसको मैंने सोक किया है। सोक करके ये भी दाल के साथ अच्छी तरह से प्रेशराइज करना चाहिए। ये सारी दाल मैंने सोक कर दिया, ओवरनाइट सोक किया है। और ये बादाम भी इसमें डाल दिया हूँ मैं। और ये एक कप राइस है, ये डाल के अब प्रेशराइज करना है अच्छी तरह से, एकदम ज़्यादा ज़्यादा एकदम दाल स्मैश हो जाना चाहिए। इस हम प्याज को चॉप करके इसी तरह अच्छा सा डीप फ्राई करना चाहिए, ब्राउन गोल्डन ब्राउन कर देना है। ये टॉपिंग के लिए है। प्याज को तल लेना चाहिए, ये चिकन है, मैंने वॉश करके रखा है चिकन। और ये पूरे दाला है, इसको अच्छी तरह प्रेशराइज किया है और अब इसको अच्छा मैश कर दिया है। ये टमाटर मैंने पीस के रखा है, ग्राइंड करके रखा है। और ये नींबू पानी है, और ये खुतमी पुदीना और हरी मिर्ची है। वुडन चर्नर से अच्छी तरह से स्मैश करना चाहिए। अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना। चिकन को डाल के सॉटे करना चाहिए। फिर हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, यह टमाटर, टमाटर प्यूरी, चिकन को अच्छी तरह से प्रेशराइज करना चाहिए, सॉफ्ट करना चाहिए ताकि इसके बोन्स और गोश्त अलग अलग हो जाए। इसी तरह और अच्छा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। स्वाद अनुसार नमक, यह पिंक सॉल्ट, नींबू पानी है, नींबू का जूस, ये दही है। फिर उसको इसमें मिला देना चाहिए ग्रेवी को। चिकन है, इसे अच्छा मैंने मैश किया। मा बीच